डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 3 जनवरी है। तो देखिए, क्लास शुरू होने के पहले यहाँ पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ देखिए ऐप का लिंक का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जिन्होंने इस सुपर लिंक को नहीं इंस्टॉल किया है उनसे निवेदन है कि उसे जरूर करें, क्योंकि ये आपके परीक्षा की तैयारी में सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। चलिए इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, एक मिनट का वक्त लूंगा मैं। देखिए, जिन्होंने भी ऐप को इंस्टॉल कर लिया है उनसे मेरे को एक ही चीज बोलना है कि हर 2 दिन के बाद अपडेट को एक बार जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जैसे आप भी जानते हैं कि हर दिन इसमें बहुत सारे वीडियो इंस्टॉल होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसलिए नहीं पता ही नहीं चलता है। तो जिसके लिए क्या है कि आप अगर अपडेट को पुश करेंगे तो फिर आपका जो ऐप अपडेट हो जाएगा। जैसे इसमें अब डाला गया आज नया अपलोड क्या हुआ, कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि 600 मेरे वीडियो को हर सब्जेक्ट पे जो है उसको धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूं। आज ही जैसे 6 वीडियो को मैंने, 4 वीडियो शायद रीजनिंग का है और 2 वीडियो इंग्लिश का है, उसे हमने अपलोड किया। लेकिन हर दिन या आप 600 वीडियो में ढूंढिए वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अलग से मैंने, जैसे रोजगार समाचार के नीचे ही अब आपको मिलेगा आज अपलोड नया अपलोड क्या हुआ। तो जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो यही मुझे बताना था। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। जो सवाल पूछा गया था, संपन्न स्कीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो संपन्न स्कीम जो है उसका संबंध जो है पेंशन प्रबंधन से है। लेकिन अब संपन्न इतना जानने से नहीं होगा, क्योंकि यही सवाल आएगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो इसके बारे में कुछ और तथ्यों को जान लें। जैसे संपन्न किससे ये है संबंधित है, किस विभाग से? तो ये दूर संचार विभाग से, मतलब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ये जुड़ा हुआ है और ये 5 लाख पेंशनर को फायदा मिलेगा। दूसरा है कि संपन्न का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो याद रखना होगा, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, ये संपन्न का फुल फॉर्म है। और है कि इससे क्या फायदा है? तो पेंशनर जो है, जो जिन्हें दूरसंचार विभाग से रिटायर करके पेंशनर बने हैं, वो अपने मोबाइल में ही अपने पेंशन की पोजीशंस को देख सकते हैं। और है कि इसमें अभी कितने लोग लाभ उठाएंगे, तभी 3.5 लाख रिटायर्ड पेंशनर लाभ उठाएंगे, बाद में 1.5 लाख और जुड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्वर्गीय फिल्मकार मृणाल सेन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो ये 2005 को मिला था। अब चूंकि इनकी ये निधन हुए तो इनपे और भी कुछ सवाल आते हैं। तो ये कौन है मृणाल सेन? तो ये बंगला फिल्म के जो है प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे। 1981 में उन्हें पद्म भूषण मिला हुआ था और 1998 से 2000 तक वो राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी रहे हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में गाफा टैक्स किस देश ने बड़े इंटरनेशनल इंटरनेट कंपनियां जैसे अमेजॉन है, फेसबुक है, गूगल है, इस पे लगाया? तो ये है फ्रांस। अब इसके ऊपर बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ये सवाल तो आने ही वाला है। पहला है क्या कि ये एक डिजिटल टैक्स है जिसके बारे में अभी तो फ्रांस ने लगाया है। हर देश, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन जो है जिसके अंदर में जितने भी देश हैं, वो सब अलग अलग से इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा वो देख रहे हैं। सिंगापुर और भारत जैसे देश भी है कि योजना बना रहा है कि ये जितने भी इनके ऊपर गाफा टैक्स लगाया जाए। अब जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, जब हम ये हो ही रहा है एक बार फिर से जान लें, इमैनुअल मैक्रॉन है। कैपिटल जो है फ्रांस की पेरिस है और मुद्रा जो है यूरो है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला? तो ये है मिस्टर अमिताभ चौधरी ने कार्यभार संभाला। लेकिन साथ साथ कुछ सवाल ये भी आ जाता है कि अमिताभ चौधरी पहले कहां थे? तो ये एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पूर्व एमडी और सीईओ थे, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। और 3 साल इनकी नियुक्ति कितने दिनों के लिए हुई है? तो 3 सालों के लिए हुई है।
और इसके पहले कौन थे, तो शिखा शर्मा थी जो रिटायर्ड की। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में हुए घोषणा, केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? आप जानते हैं ये थिरुवायुर तमिलनाडु में होगा, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें और भी जानने की जरूरत है कि ये देश का पहला संगीत संग्रहालय बनने जा रहा है और कहीं नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ एक और भी सवाल होता है, थिरुवायुर ही क्यों? क्योंकि थिरुवायुर जो है वो संत त्यागराज का जन्म स्थल है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार लॉन्च किया? तो ये आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। साथ साथ कुछ और भी चीजों को जान लेते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर ये इंग्लिश में आ गया तो ठीक है ना, ये NDMA है, मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। और इसमें कितनों को पुरस्कार दिया जाएगा? 3 योग्य संतान तथा व्यक्ति, और ये 5 लाख से 51 लाख के रुपए की पुरस्कार की इनाम राशि होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस उपग्रह नेविगेशन प्रणाली ने JPS मतलब GPS की तरह ग्लोबल सर्विस शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये है बेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली। अब इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको जानना होगा। देखिए, अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है GPS है, इसके टक्कर में जो है इन्होंने, चीन ने निकाला हुआ है अपना बेइदो BDS जिसको बोलते हैं उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, ठीक है। पाकिस्तान ने इसका पहला जो है इस बेइदू को यूज करने वाला है। चीन के बेइदू नेविगेशन सिस्टम जो अमेरिका के JPS, रूस का है ग्लोनस, यूरोपीय संघ का है गैलीलियो के बाद ये चौथा है, तो ये भी सवाल में पूछा जा सकता है। और बेइदू आज का नहीं है, ये 1994 से चालू हुआ था, लेकिन इन्होंने पहला जो है इसे GPS की तरह ग्लोबल सर्विस दूसरों को भी देना शुरू हुआ। अब जब ये होता है तो एक सवाल और भी आ जाता है, भारत का नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? इसको बोलते हैं IRNSS, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। इसमें देखिए एक नाविक बोला जाता है, नाविक क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सेवा को उपलब्ध कराती है भारत तथा इसके 1500 किलोमीटर के दायरे में काम करती है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको इसका जो है PDF फाइल अत्यंत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की दृष्टिकोण से यह सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसराइल विरोधी पूर्वाग्रह के चलते ये 1 जनवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को से अपना नाता तोड़ लिया। वो दो देश कौन है? तो जानिए, वो अमेरिका और इसराइल है। और इसके बारे में और ऐसा तो नहीं कि यही सवाल है या कुछ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये दोनों देशों ने इस संगठन से हटने का नोटिस जो है वो 2017 को दे दिया था, क्योंकि उनका ये था कि इसराइल के बारे में जो है ये प्रिजुडाइज होके जो है यूनेस्को काम कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने नाता तोड़ लिया। अब है कि जब अमेरिका आता है तो अमेरिका के आप भी जानते हैं कि राजधानी क्या है, Washington DC। इसराइल का राजधानी क्या है, यरूशलेम है। मुद्रा क्या है, इसराइली नई शकल। और प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। अब है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वो पेरिस फ्रांस में है। और महानिदेशक कौन है, आड्रे अजोले, तो ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित, देखो पूर्वोदय का एक, वो उड़ीसा के अभी गए हुए थे, एक टूर पे गए हुए थे, और उन्होंने उसका नाम दिया था एक नए भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध पूर्व। तो उसमें उन्होंने उड़ीसा के आरगुल में जाके उन्होंने क्या उद्घाटित किया, तो उन्होंने उड़ीसा के अरगुल में जाके IIT भुवनेश्वर के नए परिसर का उद्घाटन किया।
तो इसके बारे में कुछ और एक तथ्य जान लेते हैं, बहुत ज्यादा तथ्य तो नहीं है। इस उड़ीसा के दौर में उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हाल ही में सुपर अर्थ रूप में एक अनोखे ग्रह का पता चला है। तो ये सुपर अर्थ जब बोला गया है तो सवाल उठता है हमारे अर्थ से ये कितना गुना भारी है, तो ये 5 गुना भारी है। और ये सुपर अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये हमारे सौर मंडल में नहीं है, ये बल्कि नक्षत्र जो है कैसियोपिया में है, ये हमसे 21 लाइट ईयर दूर पे है और ये सुपर अर्थ के द्रव्यमान का 5 गुना है। इसका नंबर जो है HD 219-134b के रूप में नामित किया गया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुपर अर्थ है तो इसके लिए आ सकता है कि ये अर्थ का 5 गुना ज्यादा द्रव्यमान भारी है। अब है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के माध्यम से अमेरिका के रक्षा सचिव जिम मैटिस को हटा दिया, जो 1 तारीख से हट गए, 1 जनवरी से। तो उनके जगह पे पहला आया कौन आया, तो उनके जगह पे आया पैट्रिक शानन। अब थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। जिम मैटिस की जो है, क्योंकि ट्रंप ने सीरिया से सैनिक को वापस बुलाने का कदम ले लिया था, तो ये जो है आपके क्या नाम है, जिम मैटिस ने, इन्होंने पहले ही जो है अपने इस्तीफा का घोषणा कर दिया हुआ था, ठीक है। तो यही 21 दिसंबर से इनकी चल रहा था। और ये जो आए पैट्रिक शानन जो है, ये बेसिकली एरोस्पेस विशाल बोइंग के ये पूर्व कार्यकारी थे, जो जुलाई 2017 में पेंटागन में शामिल हुए थे। तो ये भी जानना जरूरी है, इसके लिए पीडीएफ फाइल आप लोगों की काफी जरूरी है। अभी देखिए, नया में अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार विश्व के किसी दूसरे रेलवे स्टेशन के अनुरूप बनाया जा रहा है। तो ये कौन सा है, किस देश के अनुरूप, तो ये हिंडलबर्ग जर्मनी के बनाया जा रहा है। थोड़ी सी बातों को और जान लेते हैं इसके बारे में। हबीबगंज देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन क्या है, इसे कौन विकसित कर रहा है, बंसल ग्रुप विकसित कर रहा है। करीब करीब 100 रुपए खर्च होंगे और हबीबगंज का नाम भी चेंज होगा, उसका नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, कल के सवाल पे थोड़ा सा मैं सबसे मैं क्षमा याचना करूंगा कि यहाँ पे टाइपिस्ट महोदय ने हिरण वर्ष लिख दिया था, बेसिकली वो शुक्र वर्ष होगा, तो आप लोगों ने आंसर नहीं दे पाए क्योंकि सवाल ही गलत था। चलिए तो अभी तो कुछ कुछ बातों को जान लेते हैं। चीनी नव वर्ष में चीन का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है चीनी नव वर्ष, और चीन में नौ वर्ष को चंद्रमा का नौ वर्ष बोलते हैं। यह 15 दिन तक चलता है और आखिरी दिन में लालटेन त्योहार बोला जाता है। यह भी 2 बार आ चुका है, लालटेन त्योहार बोला जाता है चीन के नौ वर्ष के आखिरी दिन को जो है लालटेन त्योहार बोला जाता है। देखिए, ये हमारे अब 2019 में यह 5 फरवरी से चालू होगा, 2018 को यह 16 फरवरी से चालू हुआ था और इसे कुकुर वर्ष मतलब डॉग ईयर बोला गया था, और अगला साल जो होगा रैट ईयर होगा, चूहा वर्ष होगा और 25 जनवरी से चालू होगा। और आज का सवाल, भारत इंटरनेट के इस्तेमाल में दुनिया में कितने नंबर पे, पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है। और मैं जानता हूं कि ये सब कोई आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे, मैं आपके जवाब के इंतजार में हूं, कल के लिए मुझे दुख है। तो चलिए, आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं, आप लोगों को थैंक यू बोलता हूं, साथ ही साथ ये बोलता हूं कि जिन्होंने भी मेरा सुपर लिंक सुपर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, कृपया इंस्टॉल कीजिए और पीडीएफ फाइल को लेना नहीं भूलेंगे। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।